घमासान.com के खास न्यूज बुलेटिन में आज हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन को 3 मई तक आगे बढ़ाने की घोषणा की है। उसके साथ ही केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। एडवाइजरी के मुताबिक दिन भर गुनगुना गर्म पानी पीते रहे, रोजाना 30 मिनट तक योगासन प्राणायाम करें, भोजन पकाने में हल्दी जीरा लहसुन धनिया जैसे मसालों का उपयोग करें, सुबह 1 चम्मच यानी 10 ग्राम च्यवनप्राश लें और डायबिटीज वाला शुगर फ्री च्यवनप्राश लें, तुलसी दालचीनी काली मिर्च व सोंठ का काढ़ा बनाकर दिन में 1 या 2 बार लें तथा जरूरत के अनुसार इसमें गुड़ या नींबू के रस का इस्तेमाल भी करें। 1 चम्मच तिल्ली का तेल या नारियल के तेल को मुंह में भरकर 2 से 3 मिनट तक रखें। इसके बाद गर्म पानी से कुल्ला करें। गला खराब या खांसी आने पर ताजा पुदीना या अजवाइन की भाप दिन में 1 या 2 बार लें। विटामिन डी की भी है जरूरत। लॉकडाउन के कारण घर के भीतर लगातार रहने के कारण सीधे सूर्य का प्रकाश न मिलने के कारण विटामिन डी की कमी आ सकती है। इसकी पूर्ति के लिए खिड़की खुली रखें ताकि सूर्य का प्रकाश आता रहे। भोजन के साथ साथ दही गाय का दूध दलिया मशरूम पालक सोयाबीन पनीर चीज़ ऑरेंज जूस जैसे आइटम का सेवन करते रहें। विटामिन डी की कमी से शीघ्र थकान पैरों में सूजन ज़्यादा देर सीधे नहीं खड़े रह पाना जैसी दिक्कतें आ सकती हैं। COVID-19 कोरोना वैश्विक महामारी के नियंत्रण व बचाव के लिए शारीरिक इम्यूनिटी पावर बढ़ाना ही होगा और मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग भी करना जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। आपसे घमासान.com अपील करता है कि प्रशासन का सहयोग करें, घर में रहें। धन्यवाद। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।